बे टकले, ये अपने पिछवाड़े से डीजे क्यों बजा रहा है बे? तू भी बता दीजिए कि तूने मना दिया है क्या? ठीक है, आधा पादा खेलते हैं, जिसका पादा आएगा वो पादेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तो तोले बतूले खा के आया हूँ, मेरा तिलंदर पूरा फूल है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आधा पादा नून सवादा, बाबा जी का घोड़ा पादा। बबलू तू पाद। चल फिर से शुरू करते हैं। आधा पादा नून सवादा, बाबा जी का घोड़ा पादा। अरे वाह, मेरी बारी। हाँ तेली वाली, अब तू पाद। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? पूरे क्लास में गन फैला रखी है। ऐ शीला, आओ तुम भी हमारे साथ आधा पादा खेलो। और आजू के बच्चे, तमीज से बात करो मुझसे, मैं शरीफ खानदान की हूँ। अरे जाओ जाओ, बड़ी आई शरीफ खानदान वाली। जो जोर से पादता है वो बदनाम खानदान का होता है क्या? और जो तलीफ खानदान का होता है वो पाता नहीं था। अगर तुम दोनों ने ये अश्लील बात बंद नहीं की तो मैं पुलिस बुलाकर तुम दोनों को हवाला के बंद करवा दूंगी। अरे शीला, तुम तो नाराज हो गई। कल से एक महीने की गर्मी की छुट्टी हो रही है ना, और आज स्कूल का आखिरी दिन है, तो आओ हमारे साथ तुम भी आधा पाला वाली मस्ती कर लो। अब अगर तुमने एक शब्द भी मुझसे बोला तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। फिर पूरी गर्मी की छुट्टी हॉस्पिटल के रूम में बुझाना। लादू मेरे भाई, पिछली गर्मी की तुत्ती में तू अपनी नानी के गल गया था, इस गर्मी की तुत्ती में कहाँ दायदा। इस बार मैं अपने नाना के घर जाऊंगा और ऐसा धमाल मचाऊंगा कि नाना को नानी याद आ जाएगी। लादू मेरे भाई, तू वहाँ जाके मुझे भूल तो नहीं दाया? बबलू मेरे भाई, मैं तुझे भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। लादू मेरे भाई, अब मैं भी तनू तुम्हारे साथ, तुम्हारे नाना को नानी याद दिलाने। साले तू अपने नाना के घर जाना, मेरे नाना को नानी याद दिलाने के लिए मैं ही काफी हूँ। अरे भाई बच्चों, सुनो सुनो सुनो। सुनाइए सर सुनाइए। मैं एक खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आप माँ बनने वाले हैं क्या? हैं? मैं माँ कैसे बन सकता हूँ? अगर बनूंगा भी तो बाप बनूंगा ना। आपके जैसे ढीले लोग तो बाप बन ही नहीं सकते, क्योंकि पुर्जा ढीला रहता है। क्या? अरे सर इसको छोड़िए, आप कुछ खुशखबरी सुनाने वाले थे ना? खुशखबरी ये है कि स्कूल की गर्मी की छुट्टी एक महीना से घटाकर 7 दिन कर दी गई है। सर सुबह सुबह ऐसे बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं, मुझे तो लगता है रात को जो पौवा इन्होंने पिया था उसका नशा अभी तक नहीं उतरा है। देखो बच्चों, नाराज मत हो, ऐसा है कि पूरे साल कोरोना के कारण स्कूल बंद था और अब जाके खुला है तो दोबारा से फिर एक महीने के लिए बंद कर देना सही बात नहीं है ना, इसीलिए गर्मी की छुट्टी सिर्फ 7 दिनों के लिए ही मिलेगी। सर मैंने तो नाना के घर जाने का प्लान बना लिया है, और मेरे साथ मम्मी भी जा रही है, पापा भी जा रहे हैं, और मैं भी जा रहा हूँ, मुझे तो एक महीने की छुट्टी चाहिए। देखो बेटे, एक महीने की छुट्टी लेकर नाना के घर नहीं जाते हैं। सर मैं अपने नाना के घर तो सिर्फ 10 दिन के लिए ही जाऊंगा, साथ में मम्मी जा रही है तो वो अपने मायके भी 10 दिन के लिए ही जाएगी। हा? साथ में पापा जा रहे हैं तो वो अपने ससुराल चंपा मौसी से मिलने के लिए भी 10 दिन के लिए ही जा रहे हैं। हम तीनों को मिलाकर 30 दिन हुए ना सर। 30 दिन तो हुए, लेकिन छुट्टी 7 दिनों की ही मिलेगी। जाना है तो जा, नहीं जाना है तो मत जा, मैं तो जा रहा हूँ। जाओ सर जाओ, ना दाएं जाओ ना बाएं जाओ, सीधे भाड़ में जाओ। लादू मेले भाई, अब ता हो दा, क्या इतबाल हमें गर्मियों में तिल्फ 7 दिनों की तुत्ती मिल दी। तू फिकर मत कर मेरे उजड़े चमन, मैं तेरे टकले की और शीला की आती हुई जवानी की कसम खा के कहता हूँ, मेरा नाम भी राजू दी ग्रेट है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं पूरे स्कूल को 1 महीने की छुट्टी दिलवा कर रहूंगा।
और सर क्या लाए हैं आज आप लंच में? लाली मैडम, आज हमारी घरवाली ने हमारे टिफिन में बर्गर पैक करके दिया है। अरे वाह, चलिए शुरू कीजिए। सर ने हमारी गर्मी छुट्टी हराम किया है ना, मैं सर का खाना हराम कर दूंगा। तू ताक लेगा मेरे भाई, देखता जा मेरे छिले हुए अंडे। लादो मेरे भाई, क्या निताना लगाया है तुमने, एकदम तीदे डाके तल का खाना हलाम तल दिया। मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, मगर घमंड जरा सा भी नहीं करता हूँ। अब चल। अरे अरे, क्या गिरा दिया सर, गिरने की आवाज से पूरे स्कूल में भूकंप सा मचा दिया है आपने। लादो मेरे भाई, देख नहीं रहे हो, तल का टिफिन गिर गया है और उनका पूरा खाना बर्बाद हो गया है। सर, आपका टिफिन गिर गया तो कोई बात नहीं, आपका विद्यार्थी राजू अभी जिंदा है, आप मेरे टिफिन से खा लो। मम्मी ने मुझे 2 रोटी और सब्जी एक्स्ट्रा दी थी, बोली थी कि किसी गरीब को खिला देना। एक झापड़ मारूंगा तो तेरी सारी अमीरी हवा में कबूतर बनकर उड़ जाएगी। मैं तुझे गरीब दिख रहा हूँ? सर, अभी आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आपसे ज्यादा कोई और गरीब थोड़े ना है यहाँ। सर, गुस्सा थूक दीजिए और सब्जी सूंघ लीजिए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इससे। सूंघिए सर, सूंघिए। क्या सूंघिए, इसमें कोई गंध तो आ ही नहीं रही है। अरे जोर से सूंघिए सर। मस्त प्याज लहसुन और गरम मसाला डालकर मम्मी ने आलू पालक की सब्जी बनाई है, ऐसी खुशबू आएगी कि आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। अरे बाप रे, लगता है सर को कोरोना हो गया है, पहले इनको गंध नहीं आ रही थी, अब ये जोर जोर से खांस रहे हैं। बाप रे बाप, भाग बबलू भाग। लाली मैडम, आप भी ऐसे खड़े खड़े सर का मुंह मत देखो, भागो। बच्चों, एक बुरी खबर है, लगता है सर को कोरोना हो गया है, अभी हॉस्पिटल वाले उनको उठा कर लेकर गए हैं, उनको क्वारंटीन कर दिया गया है और पूरे स्कूल का सैनिटाइजेशन करने के लिए स्कूल को 1 महीने के लिए बंद कर दिया है। आज से सभी मास्क लगा कर ही रहेंगे, हाथ हमेशा धोएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, ठीक है? लादू मेले भाई, तुम्हारे दिमाग का भी दबाव नहीं, ऐसा प्लान बनाया कि 1 महीने की छुट्टी करवा दी, लेकिन तुमने टिफिन में ऐसा क्या रखा था कि ढीले से तुमने तो इसमें नहीं आई और धोते थूने पे खाती आ गई। अबे मेरे उजड़े चमन, ये राजू दी ग्रेट का सीक्रेट है, ये मैं तुझे नहीं बताऊंगा। वैसे दोस्तों, क्या आप